डियर मॉम्स एंड डैड्स, मैं हूं मधु, ट्विन टॉडलर्स की मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विन्स मामा। आज मैं आपको अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाने के कुछ महत्व के बारे में बातें बताऊंगी। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, जो भाषा हम घर पे यूज करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर यूज करते थे, जो हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सुनकर सीखते हैं, उसे ही मातृभाषा या नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा हम अपनी संस्कृति से जुड़कर उसके धरोहर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो हमारे देश के हर प्रांत की अपनी एक भाषा है, एक संस्कृति है, एक अपना स्पेशल कोई भोजन है, संगीत है इत्यादि। और इस विशिष्टता या डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है वो होती है नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा या लोक भाषा। और फिलहाल हमारे देश में इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो है अपकमिंग जनरेशंस का अपने नेटिव लैंग्वेज को ना जानना। मैं अपनी बात करूं तो मेरी परवरिश एक ऐसे परिवेश में हुई है जहां हमारे देश के अन्य अन्य राज्यों से आसपास लोग रहा करते थे, और हमारे बीच जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था वो अक्सर हिंदी में होता था। और अगर मैं स्कूल की बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस थे जिसके माध्यम से हमें अपनी जो शिक्षा है वो मिली है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे चाइल्डहुड में मेरे मदर टंग का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही कम मिला था। चाहे वो मैं हूँ या मेरे सिबलिंग्स, हमने हमारी नेटिव लैंग्वेज घर पे ही सीखी थी। मैं असम से हूँ और असामीज या ओहोमिया हमारी नेटिव लैंग्वेज है। और मेरे पेरेंट्स की मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने हम तीनों बहनों को बहुत अच्छे से हमारी अपनी भाषा सिखाई है। दो आज भी मैं जब अपने बहनों से बात करती हूँ तो ज़्यादातर मैं हिंदी में ही कन्वर्स करती हूँ, क्योंकि हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब भी हुआ करते थे तो हम हिंदी में ही बातें किया करते थे। बट वी आर इक्वली वर्स्ड इन आवर ओन मदर टंग टू। तो जब हमारे मॉम डैड रिटायर हुए और हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अपने राज्य में हम आए और यहाँ पे हमने अपनी जॉब और करियर स्टार्ट की, तो दिस वॉज एन एडवांटेज, क्योंकि असम के लोकल्स तक पहुंचने के लिए हमें इस मातृभाषा ने या नेटिव लैंग्वेज ने काफ़ी हेल्प किया। अब इस बात को शेयर करने के पीछे एक और रीज़न है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका एक फैशन सा हो गया है कि बच्चे से घर पे भी इंग्लिश में बात करनी चाहिए। नो डाउट इंग्लिश इज द मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और अगर आप अपने बच्चे से बचपन से ही इंग्लिश में बातें करेंगी तो नो डाउट वो उसमें काफ़ी फ्लुएंट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर आप ऐसा ही करेंगी तो आपका अपना लैंग्वेज कहाँ रहेगा? आप अगर घर में हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, ओहोमिया में, तमिल में, तेलुगु में, किसी भी लैंग्वेज में बात करती हैं तो आपका बच्चा उससे सीखेगा, आगे जनरेशंस को ये लैंग्वेज पास होगी, तभी तो हमारे देश की डाइवर्सिटी रहेगी। इंग्लिश तो वैसे भी आज नहीं तो कल स्कूल या कॉलेज में बच्चा सीख ही लेगा। हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को जीवित रखने के लिए नेटिव लैंग्वेज का एक प्राइमरी रोल होता है। ये हमें हमारे कल्चर से, ट्रेडिशन से, रूट्स से कनेक्टेड रखता है, हमें एक आइडेंटिटी देता है। रिसर्च के अनुसार भी जिन व्यक्तियों को अपना नेटिव लैंग्वेज आता है, आगे जाकर उन्हें दूसरे लैंग्वेजेस को समझने में, दूसरे कंसेप्ट्स को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। रिसर्च स्टडीज़ में तो बाइलिंग्वलिज्म या मल्टीलिंग्वलिज्म के भी काफ़ी बेनिफिट्स दर्शाए गए हैं। बाइलिंग्वलिज्म का मतलब होता है, एक टॉडलर को अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखा रही हैं या उसका एक्सपोजर दे रही हैं, और मल्टीलिंग्वलिज्म होता है दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का एक्सपोजर देना। वैसे भी आजकल काफ़ी इंटरस्टेट मैरिजेस हो रहे हैं, तो हो सकता है मॉम और डैड दोनों की नेटिव लैंग्वेज अलग हो, तो आप अपने बच्चे को उन दो लैंग्वेजेस के माध्यम से इंटरैक्ट करना सिखाएं। इंग्लिश बाद में भी सीखी जा सकती है। लैंग्वेज रिलेटेड जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस सिखाने का सही टाइम है अर्ली चाइल्डहुड। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी में मेरी ब्रॉटअप हुई है,
और असमिया के अलावा हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, नेपाली आराम से मैं बोल लेती हूँ। वैसे अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो नेपाली और बंगाली बोलते वक्त थोड़ा सोचना पड़ता है, बट मैं आराम से समझ ज़रूर लेती हूँ। वहीं जब मैं अपनी पढ़ाई करने कर्नाटका गई और वहाँ हमें कन्नड़ा सीखना पड़ा फॉर कम्युनिकेटिंग विद आवर पेशेंट्स, उस वक्त उस लैंग्वेज को सीखने में काफ़ी कठिनाई हुई और बेसिक कन्नड़ा वर्ड्स के अलावा मुझे अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन भी नहीं आता। तो ये एक प्रूफ है कि अर्ली चाइल्डहुड में हम जितना हो सके उतना लैंग्वेजेस एक्वायर कर सकते हैं और आगे जाकर उसी तरह से लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिसर्च ये भी कहता है कि मातृभाषा के साथ साथ अगर एक बच्चा एक या एक से ज़्यादा और लैंग्वेज भी सीखता है तो इससे उसके लिए अच्छा ही होता है। उसकी कॉग्निटिव स्किल्स की बढ़ोतरी होती है, लिटरेरी स्किल्स की बढ़ोतरी होती है, उन्हें कॉम्प्लेक्स लेटर्स, साउंड्स की बहुत जल्दी समझ आती है, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बेटर होते हैं, क्योंकि अगर वो दो लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दोनों का सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होता है, ग्रामेटिकल यूसेज अलग होता है, तो उन्हें बहुत जल्दी उसमें फर्क करना भी आता है। मेमोरी पावर भी बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो इसमें ब्रेन के काफ़ी सेंटर स्टिमुलेट होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। और इन द लॉन्ग रन ऐसे बच्चों में जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है इन ओल्ड एज, वो काफ़ी कम दिखता है। तो फायदे सिर्फ अभी के लिए नहीं है, फायदे लॉन्ग रन में भी होते हैं। जब एक बच्चा दो लैंग्वेजेस साथ साथ सीखता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे को हिंदी और इंग्लिश सिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसे आप पानी का कंसेप्ट समझाएं, तो क्या कर सकते हैं, आप एक रूल का फॉलो कर सकते हैं। रूल कहता है कि वन लैंग्वेज वन पर्सन एट ए टाइम। अगर माँ बच्चे को पानी के ग्लास की ओर दिखा के कह रही है पानी, तो बाद में किसी और सिचुएशन में उसी सेम ग्लास को दिखाकर डैड को कहना चाहिए वाटर। बच्चा ये समझ पाएगा कि पानी और वाटर दोनों सेम चीज है, पर अगर साथ में आप बॉम्बार्डमेंट कर दें ये पानी है वो वाटर है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। एक मिथ भी चली आ रही है कि बाइलिंगुअल किड्स की स्पीच डिलेज हो सकती है। स्पीच डिलेज किसी को भी हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि बाइलिंगुअलिज्म स्पीच डिले का रीज़न बिल्कुल नहीं है। अक्सर बच्चे इनिशियली कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो जाती है चीज़ों की। तो आप अगर वन लैंग्वेज वन पर्सन एट अ टाइम वाला रूल फॉलो करेंगे, इससे आप बच्चे को दो लैंग्वेज साइमल्टेनियसली सिखा पाएंगे। हालांकि बाद में हो सकता है बच्चा एक मिक्स्ड अप लैंग्वेज आराम से बोले, जैसे आजकल हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलने का एक प्रचलन है। मेरा वीडियो भी ऐसा ही है, आपको सुनकर पता चल रहा होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं और उसे हम हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में प्रेफर करते हैं और वाइस वर्सा, तो इस तरीके से बच्चे बाद में बोलना सीख लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि किस जगह कौन सा वर्ड क्या मीनिंग कैरी करता है। बस शुरू में जब हम उन्हें लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ज़रूरी है कि दोनों लैंग्वेज को हम डिफरेंटली डिफरेंट टाइम में सिखाएं। नेटिव लैंग्वेज सीखने का एक और बड़ा एडवांटेज है कि आगे जाकर अगर आप अपना करियर अपने नेटिव एरिया में बनाना चाहते हैं तो ये नेटिव लैंग्वेज आपके काफ़ी काम आ सकता है। चाहे आपके क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, पेशेंट्स हो, उनको अच्छा लगेगा अगर आप उनके लैंग्वेज में उनसे इंटरेक्ट करें। और आई फील जितनी भी भाषाएं हम सीखते हैं इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने अपनी स्कूलिंग की थी और वहाँ बहुत सारे ट्राइब्स हैं और एवरी ट्राइब हैज़ देयर ओन डायलैक्ट्स। लेकिन मैंने अब अपने फ्रेंड्स के बच्चों को नोटिस किया है कि वो बस हिंदी में या इंग्लिश में ही बातें करते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी, अपने पेरेंट्स से भी, तो फिर वो डायलैक्ट्स भी तो नहीं रहेंगे। उन डायलैक्ट्स को तो बहुत बाहर के लोग जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे लुप्त होते भाषाओं या लोक भाषाओं के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नेटिव लैंग्वेज को जीवित रखें, एटलीस्ट अपने घर पे। हम बच्चों से बातें करेंगे, वो सीखेंगे, उनका एक बेस बनेगा वोकैबुलरी का इस बचपन में, तो आगे जाकर वो उनका यूसेज ज़रूर करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे व्यूअर्स अपने बच्चों से मातृभाषा में ज़रूर कन्वर्स करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनको सिखाएंगे अपनी भाषा और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन तक ये भाषा पहुँचे।
इंग्लिश नो डाउट एक बहुत ही डोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमें जानना ही चाहिए, इसे साइड बाय साइड सिखाएं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बाइलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म के बेनिफिट्स तो बता ही दिए हैं। नेटिव लैंग्वेज ना सिखाकर उनसे उनकी आइडेंटिटी ना छीने, हमारे डाइवर्स कल्चर को खत्म ना होने दें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो के अंत तक पहुंच गई हूँ। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी और ट्विन मोमेंट्स एंड फिटनेस रिलेटेड टू मॉम्स जैसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर हिट करें, इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।